विश्व जनसंख्या दिवस विश्व में बढ़ रही जनसंख्या और जनसंख्या के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पूरी दुनिया में 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है और साथ साथ जनसंख्या से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ये सब सारी चीज़ों को बताने के लिए साझा करने के लिए ही इसी उद्देश्य से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यह क्यों मनाया जाता है कब से मनाया जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी को। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के दृष्टिकोण से तो वह होती है थीम। तो थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2021 का जो थीम क्या था 2022 का जो थीम क्या है वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2022 का जो थीम क्या है। तो 2022 का थीम है 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो यह है इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे यह थीम है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वह है 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो है अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना, तो ये इतना बड़ा नहीं भी देगा लेकिन आप लोगों को 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर इतना तो आप लोगों को याद रखना ही है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। तो इसको हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार से भी कह सकते हैं ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स ए रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। हम लोग इसको इंग्लिश में इस प्रकार से कहेंगे। तो ये आप लोगों को 2022 का जो थीम है वो तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर बात करेंगे 2021 में थीम क्या था, तो 2021 में जो थीम था वह था राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर वेदर बेबी बूम और वेस्ट द सोल्यूशन टू चेंजिंग फर्टिलिटी टू चेंजिंग फर्टिलिटी रेट्स इज टू प्रायोरिटीज फर्टिलिटी हेल्थ एंड राइट्स फॉर द पीपल। तो ये इंग्लिश में था, तो ये 2021 वाला थीम था, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर्स वेदर बेबी बूम और वेस्ट द सोल्यूशन टू चेंजिंग फर्टिलिटी टू चेंजिंग फर्टिलिटी रेट्स इज टू प्रायोरिटीज फर्टिलिटी हेल्थ एंड राइट्स फॉर द पीपल। ये इंग्लिश में है, इसी को अगर हिंदी में कहेंगे तो हम लोग कहेंगे अधिकार और विकल्प उत्तर हैं चाहे बेबी बूम हो या वेस्ट प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। तो ये हिंदी में थीम था, अधिकार और विकल्प उत्तर हैं चाहे बेबी बूम हो या वेस्ट प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। तो यहाँ पे जितनी भी जानकारी है तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर के आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है कब से मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आप लोग लिंक में जाकर के जरूर से जरूर देखिए।